शनिवार को जौनपुर में छठवें चरण के मतदान समाप्त होने के बाद जो हुआ उसे देखकर हर कोई दंग रह गया। दरअसल मतदान समाप्त होने के बाद वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय में बने स्ट्रांग रूम में ईवीएम से भरे एक मिनी ट्रक के आ जाने से हड़कंप मच गया, जिसके बाद वहां मौजूद समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी बाबू सिंह कुशवाहा के समर्थकों ने उसे रोका और पूछताछ करना शुरू कर दिया। मिनी ट्रक पर सवार ड्राइवर और अधिकारी ने बताया कि ये रिजर्व ईवीएम है जो मतदान के दौरान खराब होने पर बदली जाती है और गलती से यहां चली आई है, लेकिन सपा कार्यकर्ताओं को तसल्ली नहीं थी और सपा कार्यकर्ताओं का कहना था कि ईवीएम मशीन को जिस तरह से बिना जांच पड़ताल के मिनी ट्रक के जरिए यहां लाया गया, उससे ये संदेह पैदा होता है कि वोटों की गिनती के दौरान कुछ गड़बड़ी करने की कोशिश की जा रही है, जिसके बाद इस पूरे मामले को लेकर डीएम एसपी सहित तमाम अधिकारियों को जानकारी दी गई। तमाम अधिकारी मौके पर पहुंचे। लगभग 10-11 बजे के आसपास ये गाड़ी जो आपके सामने खड़ी है ये बदलापुर साइड से आई। लोगों को शक हुआ, दो गाड़ी सेक्टर मजिस्ट्रेट की ओर की स्कॉर्ट कर रही थी, कुछ गाड़ी पीछे लगी थी और बड़ा सावधानी से गाड़ी लाई गई। ये फिरोजाबाद नंबर की गाड़ी है और इस नंबर की कोई गाड़ी यहाँ पर नहीं है, तो ये लाई गई। तो जब लड़कों ने देखा, पार्टी के साथियों ने देखा, तो इस गाड़ी के पीछे थोड़ा हुए, यहाँ आकर के ये थोड़ा रुकी तो देखा, पूछा कि भाई गाड़ी कहाँ जा रही, क्या है, तो कुछ बोले नहीं। पुलिस वाला भी था साथ में, जल्दी से अंदर घुस के और खड़ी किया और ड्राइवर भाग गया। जो ये स्कोर्ट करके आए वो भी गायब हो गए। ये आधे घंटे पौन घंटे गाड़ी खड़ी रही। इसके बाद फिर इसको देखा, लोगों ने चर्चा की, थोड़ी देर बाद अधिकारियों से बात हुई तो उन्होंने कहा कि भाई ये आप लोग जौनपुर सदर वाले इधर कैसे आ गए, मछलीपुर की है, हटो यहाँ से, नहीं तो हम मुकदमा लिखा देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। थोड़ी देर बाद पता चले कि मुगराबाद शाहपुर की रिजर्व की मशीन है। ऐसा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का कहना है, रिटर्निंग अफसर का, कि ये मुगराबाद शाहपुर की जो रिजर्व में रखी रहती है मशीन है वो है, तो वो लाके रखी गई है। पहले उन्होंने ही मछली शहर का कहा, बाद में उन्होंने ही शायद न जानकारी रही, तो ये कहा। अब एक तरफ हमको ये है कि भाई भारतीय जनता पार्टी हार रही है और मशीनों के बारे में पहले से भी सबको शक है, हमको भी शक है और लोगों को भी शक है, पूरे देश के लोगों को शक है। जहाँ एक तरफ भरोसा नहीं है और जहाँ ये घटनाएं घट जाती हैं तो और अंदेशा हो जाता है। तो अभी बातचीत हुई है तो डीएम साहब ने कहा कि अभी हम लिस्ट दिखा देते हैं, आप चेक कर लीजिए, ये रिजर्व में रखी थी, इनको इसको रखना था जिला कलेक्ट्रेट, वो कह रहे हैं धोखे से यहाँ आ गए। लेकिन हमारे साथी सब कह रहे हैं धोखे से नहीं आई, धोखे से और कहीं क्यों नहीं गई, यही क्यों आई धोखे से। हमारे साथियों का कहना है कि भाई हम देख लेते हैं, अगर रिजर्व की मशीनें हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। करीब 5 घंटे तक पूछताछ के बाद आखिरकार कागजों के मिलान के बाद ये पता चल गया कि ये ईवीएम रिजर्व रखी गई थी और गलती से कलेक्ट्रेट परिसर के स्थान पर पूर्वांचल विश्वविद्यालय के परिसर में पहुंच गई थी। हमारे एआरओ मुगराबाद शाहपुर है और जो हमने अपनी जो ईवीएम्स हैं वो हम जब कल वितरण में रवाना करते हैं तो उसमें जो रिजर्व ईवीएम्स होती है वो सेक्टर मजिस्ट्रेट्स को और दी जाती है यहाँ से डिस्पैच स्थल से, और इसके अतिरिक्त जो हमारा विधानसभा का हेडक्वार्टर होता है एआरओ हेडक्वार्टर, वहाँ पे भी हम रिजर्व ईवीएम रखते हैं कि इनकेस कहीं पे किसी सेक्टर मजिस्ट्रेट के पास या जोनल के पास अगर मशीन कम पड़ जाती है, रिप्लेसमेंट जब मॉकपोल के दौरान या वासु मैदान के दौरान होता है तो हम लोग एआरओ हेडक्वार्टर से उसको मशीन दे के रिप्लेस कर पाए। तो ये हमारा वो एआरओ हेडक्वार्टर की रिजर्व मशीन है जो कि मुंगरा बादशाहपुर से और वेयर हाउस के लिए जा रही थी। चूंकि यहाँ पे बाहर जाम था इसलिए जो यहाँ के नायब तहसीलदार, जो इसके तहसीलदार थे प्रभारी, उन्होंने यहाँ के नायब से बात किया और वो इसको जाम के कारण यहाँ गलती से अंदर लाके उन्होंने खड़ा कर दिया। इसको लेके हमारे जो समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी थे और उनके जो यहाँ पे लोग थे तो उन्होंने उसको लेके ऑब्जेक्शन किया था कि अभी यहाँ पे कैसे आ गई, और उसको लेके उन्होंने स्थिति स्पष्ट करने के लिए कहा था। तो हमने सारी हमारी स्ट्रांग रूम सील हो गए, उसके बाद में अभी जो रिजर्व ईवीएम की लिस्ट हम सारे प्रत्याशियों को देते हैं अलग अलग चरण में, जब रेंडमाइजेशन होता है उसके बाद भी, जब हमारा कमीशनिंग होती है उसमें जो खराब होती है तो उसके बाद की भी जो रिप्लेस हो जाती है वो भी हम आपको लिस्ट देते हैं, और इसके बाद जब कल वितरण हुआ है उसमें भी जो मशीन खराब होती है उसके बारे में सूचना देता हूँ। तो लिस्ट आपके पास थी, उससे हमने अभी सत्यापन उनको करा दिया है, रैंडम सत्यापन, अब वो संतुष्ट हैं, अभी यहाँ से ट्रक जो है हमारा कलेक्टेड वेयर हाउस में जाके जमा हो जाएगा। थैंक यू।